नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी पहुंचे पहलवानों से मिलने अचानक सुबह बजरंग पुनिया के अखाड़े में। राहुल गांधी पहलवानों को साधने की तैयारी, बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। हरियाणा में जाटों 2024 लोकसभा चुनाव की दे दिए संकेत। दूसरी खबर बताएंगे, राहुल ने निकाली एक भारत नया यात्रा का ऐलान। 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू करने का ऐलान। बताएंगे कहां से कहां तक होगी यात्रा और कितने किलोमीटर का है सफर। एक बार फिर से लोकसभा से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पार्टी में 40,000 करोड़ के घोटाले का कर दूंगा खुलासा। बीजेपी विधायक ने अपनों को ही दे दी धमकी। बताएंगे इसके बारे में भी। वही नीतीश और इंडिया के संयोजक को लेकर क्या कुछ है खबर। मंत्रिमंडल को लेकर के मध्य प्रदेश में मची है फूट। बताएंगे कैसे शिवराज के लोगों को कर दिया गया साइड। भारत में कहां पर फलस्तीन को लेकर के हुई मांग। वही महिला पहलवान विनेश फोगाट ने फिलहाल दे दिया पूरी तरीके से त्याग दिया है, लौटा दिया है कई अवार्ड। पीएम मोदी को जो कुछ कहा वो भी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक एक करके आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। जहां सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिर कैसे यमनी सेना ने एक बार फिर से किया है भीषण अटैक। वहीं हमास ने पकड़े हैं कई इजरायली जासूस। एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है सुबह सुबह, आज राहुल गांधी पहुंच गए हैं पहलवान के अखाड़ों में, बजरंग पुनिया के अखाड़ों में पहुँच कर दिया भाई कई संकेत। पहलवानों से की बातचीत, मुलाकात, दुख दर्द बांटा 24 में रख दी न्यू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहलवानों से मिलने के लिए हरियाणा के पहलवान दीपक पुनिया के गांव पहुंच गए। कांग्रेस के पूर्व राहुल अध्यक्ष राहुल गांधी झज्जर के छारा गांव में मयूरेंद्र अखाड़े पहुंच गए, जहां उन्होंने बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से बातचीत की। दीपक और बजरंग पुनिया ने इसी वीरेंद्र अखाड़े से अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी। राहुल ने पहलवानों के अखाड़ों में पहुंचकर उनकी कसरतों और उनके कैरियर में हो रही समस्याओं के बारे में जाना। पहलवान बजरंग पुनिया ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि राहुल गांधी यहाँ पहलवानों की रूटीन देखने के लिए आए थे, उनका जीवन कैसे होता और उन्होंने इस दौरान एक्सरसाइज भी की। राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के अचानक इस पहुंचने के बाद से कहीं न कहीं पहलवान जो मोदी सरकार से नाराज चल रहे थे, राहुल ने उन्हें अपने पाले में ला दिया और कहीं न कहीं एक तरीके से ये पूरी चीज़ें उन्होंने कवायद देखी और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों, हरियाणा में खास करके राहुल गांधी पहलवानों के बीच पहुँच कर कई मैसेज दिए हैं। एक तो जो हरियाणा में खास करके पहलवानों के समर्थक वो कांग्रेस के समर्थन में तेजी के साथ ढलेंगे और बीजेपी को लेकर तगड़ा झटका है। राहुल किस तैयारी से कहीं न कहीं उन्होंने पहलवानों खिलाड़ियों के साथ खड़े होने के लिए पुरजोर तरीके से खड़ा होना का एक इशारा दे दिया है, जिससे जो कि बीजेपी के लिए झटका है। एक और अपडेट निकल के आई है, भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगा। राहुल गांधी 14 राज्य यानी 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, पहुंचेंगे मुंबई। जहां कांग्रेस पार्टी ने 14 जनवरी को 28 मार्च तक मणिपुर में मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की घोषणा कर दी गई और दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू करें। राहुल गांधी इस यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं और मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर का सफर तय करी जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि इससे पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की ज्यादा की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। अब भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं, महिलाओं और आम लोगों से जुड़ेगी। यह यात्रा 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की इस यात्रा में कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस तेजी के साथ ऊपर आएगी। एक और अपडेट, पार्टी से निकाला तो 40,000 करोड़ के घोटाले का कर दूंगा पर्दाफाश। बीजेपी विधायक ने भाजपाइयों को दी धमकी, मचा हड़कंप बीजेपी में। असंतुष्ट भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल यतनाल ने मंगलवार को अपनी पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो COVID-19 महामारी के चरम के दौरान कर्नाटक में VS येदुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। उनके बयान पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि येदुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में यतलाम के आरोप उनके आरोपों का प्रमाण है। भाजपा शासन के दौरान राज्य में 40% कमीशन की सरकार रही। यतनाल ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया, वे मुझे नोटिस दें और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करें, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। यतनाल ने येदुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ, खासकर उनके दूसरे बेटे BY विजयेंद्र को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान कोरोना प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक ने कहा है कि एक मास्क जिसकी कीमत 45 रुपये है, येदुरप्पा आपकी सरकार ने कोविड के दौरान उनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च किया है। उन्होंने प्रत्येक मास्क के लिए 485 रुपये की कीमत रखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि एक बेड खरीदा तो दो बिस्तर उसी कीमत पर खरीदे जा सकते थे। एक बिस्तर खरीदा और ज़्यादातर किराए पर लेकर के जो है उन्होंने पूरी तरीके से ज़्यादातर बिस्तरों को किराए पर लिया गया, उसे खरीद में दिखाया गया, इस तरीके की चीज़ें भी दिखाई गई। तो उन्होंने कहा है कि 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ। एक और अपडेट निकल के, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए इंडिया ने कर ली थी तैयारी, कहां बिगड़ गया गेम समझिए। दरअसल नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हाल ही में संपन्न हुई बैठक के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बन रहे और उनकी पार्टी के अधिकांश नेता भी इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज किए। इसी बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल जेडीयू नेता के लिए बड़ी जिम्मेदारी को लेकर लगभग मन बना चुके हैं, लेकिन हिंदी और हिंदुस्तान को लेकर वो पीछे हट गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार उस समय भाग गए थे जब डीएमके नेता टीआर बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से नीतीश कुमार के भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार केरला में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में महिलाओं ने लहराए फलस्तीनी झंडे, युद्धबंदी की मांग की। दरअसल लगातार इस गजापट्टी इजराइल और हमास के युद्ध में आम निर्दोष मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार सीजफायर की मांग उठ रही है। इसी क्रम में भारत में भी केरला स्टेट में गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी GIUA के कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने बड़े पैमाने पर फलस्तीनी झंडे लहराए और फलस्तीन झंडों के साथ युद्धबंदी यानी फुल सीज फायर की मांग की और उन्होंने कहा कि तत्काल जंग बंदी होनी चाहिए। अगली एक और अपडेट, सीनियरिटी या कई बार जीत भी मंत्री पद की गारंटी नहीं, मोहन यादव कैबिनेट के कद्दावर नेताओं का ऐसा हुआ पत्ता साफ। जी हाँ, दरअसल शिवराज के मंत्रियों को इस बार टिकट तो मिला, विधायकी भी जीते, लेकिन कद्दावर मंत्रियों को मंत्री नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हैं तो कुछ पुराने दिग्गजों को भी जगह दे दी गई है, लेकिन कई कद्दावर ऐसे भी हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन मंत्रियों की सूची में इनका नाम नदारद था। इसके पीछे जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों के साथ बीजेपी के भविष्य के लिए नई लीडरशिप तैयार करने की रणनीति को भी प्रमुख वजह बताया गया। मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी के दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कैबिनेट में सिर्फ 15% विधायक ही मंत्री के रूप में शामिल किए जा सके, जबकि मंत्री पद नहीं मिल सकता, इसीलिए कुछ वरिष्ठ नेताओं को छूट जाना स्वाभाविक है। विजयवर्गीय का यह बयान भी सही है, बीजेपी को 160 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन जिस तरीके से केवल और केवल शिवराज समर्थकों को साइडलाइन किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और एक तरीके से यही कारण है कि शिवराज अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर कोई जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो शिवराज बगावत कर सकते हैं। एक और अपडेट, महिला पहलवान विनेश फोगाट ने लौटाया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी से पूछा क्या हम देशद्रोही हैं। दरअसल महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या हम देशद्रोही। उन्होंने लौटाते हुए बड़ा बयान दिया, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास ने पकड़े कई इजरायली जासूस गजा पट्टी में। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, अब इजराइल आएगा घुटने पर, न केवल सीज फायर करेगा बल्कि बंधकों की रिहाई भी होगी सुनिश्चित। हमास ने इजराइल के कुछ ऐसे जासूस पकड़े हैं जो गाजा में प्रतिरोधात्मककर्ताओं की जासूसी कर रहे थे। फलस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने गाजा में इजराइल के कई जासूसों को गिरफ्तार करने की सूचना दे दी। इरना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दिनों के दौरान गाजा में इजराइल के कई जासूस पकड़े गए हैं। हमास के अनुसार पकड़े जाने वाले इजरायली जासूसों में एक ने यह बात स्वीकार की है कि वो हमास के कमांडरों के घरों पर पता लगाए गए। इसके साथ ही आपको बता दें, कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से गाजा पट्टी में खास करके इजरायली सैनिकों के जो कमांडर रहते थे, कमांडरों के साथ साथ ही आम फिलिस्तीनियों की बेस में कई इजरायली जासूस भी घूम रहे थे। दरअसल ये शक ऐसे हुआ कि हमास के लड़ाकों ने जो है वो खास करके उन इलाकों में, जिन इलाकों में खास करके कोई नहीं रहता था, उन इलाकों में फिलिस्तीनियों की एक्टिविटी देखी, क्योंकि हमास के जो लड़ाके हैं वो अंडरग्राउंड है और वो इजरायली सैनिकों के बीच, आम फिलिस्तीनियों को इजरायली सैनिकों के बीच देखा। ऐसा पूरे कभी गजा पट्टी के इतिहास में नहीं हुआ पिछले 70 से 80 दिनों में कि कोई फिलिस्तीनी गजा पट्टी में इजरायली सैनिकों से मित्रतापूर्ण बातचीत कर रहा हूं। ऐसे में आपको बता दें, गाजा पट्टी में ड्रोन के जरिए उन लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक किया गया तो पता चला कि आम लोगों के बीच उठ बैठ करके
वो जो है वो हमास के लड़ाकों की पूरी सूचना इजरायली सैनिकों को दिया करते थे और फिर तब जा करके जो है वो जो इजरायल की जो सेना थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इजरायली सेना तब जा करके उन सुरंगों पर कार्रवाई करती थी। अब जब बाद में उन लोगों को पकड़ा गया तो असल में पता चला कि वो मोसाद के लोग थे और अब तब जाकर एक तगड़ा झटका लगा है और यही कारण है कि मोसाद और इजरायली स्नाइपर के कई जासूसों को जो है वो हमास ने पकड़ रखा है। अभी इसके पीछे और हमास कहा जा रहा है कि अपने सुरंगों में उनको लेकर गया है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी अपडेट निकल सकती है कि कहीं ना कहीं इजराइल को घुटने पर लाने के लिए, इजराइल को इस युद्ध को समाप्त करवाने के, न केवल तो युद्ध समाप्त बल्कि कई जो फिलिस्तीनी उनको रिहा कराने के लिए, ये एक आगे चल के नेगोशिएशन के लिए एक बड़ी बात जो है हमास के हाथ लग गई है। एक और अपडेट, यमनी सेना ने एक बार फिर से इजरायली सैन्य जहाजों पर किया भीषण अटैक, खास करके नेवल बेस इलियट पर हमला कर दिया है। जी हाँ, हौतीज ने बड़ा बयान दिया है, कहा उन्होंने कहा कि एक ड्रोन अटैक से इजरायली पोर्ट पर बड़ा अटैक किया गया है। ये देखिए MSC कंटेनर शिप को टारगेट किया गया है, लाल सागर में हौतियों ने MSC कंटेनर को टारगेट किया गया है और ये कहीं ना कहीं इजरायली नेवल बेस पर अटैक किया गया है। यमन ने इजरायल की तरफ जाते हुए जहाज पर ये मिसाइल दागी है और इजरायल नेवल बेस इलियट पर हमला किया गया है। तो दोस्तों कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये अटैक किया गया है आखिर ये जो है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कितना तगड़ा झटका दिया है। तो आप कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें, जिस तरीके से भीषण अटैक किया गया है इसके बारे में आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों अगली एक और अपडेट निकल के आई है, अमेरिका के हाथ गजा के बच्चों के खून में सने हुए हैं, हमास का बड़ा बयान निकल के आया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें नेतन्याहू को अब एक के बाद एक करके लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। इरना के अनुसार फलस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के नेता ओसामा हमदान कहते हैं कि अमेरिका की सरकार की ओर से गजा में नागरिकों की सुरक्षा का दावा करती है जबकि यही सरकार दूसरी और अवैध जवनी शासन को हथियार उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हाथ गजा के बच्चों के खून में सने हुए हैं, अमेरिका इस बात को याद रखे कि आने वाले समय में उसको बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल ईरान में भी जो कत्लेआम हो रहे हैं, वो ईरान के जो कमांडरों को मारा जा रहा है उसमें भी अमेरिका के हाथ, और यही कारण है कि अब हमास ने अमेरिका के नागरिकों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। हमास ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका भूल ही जाए। दरअसल कुछ अमेरिकी नागरिक अभी भी हमास के चंगुल में हैं। हमास ने बड़ी चतुराई के साथ दुनिया भर के तमाम देशों के लोगों को रिहा किया, फिर इजराइल के कुछ लोगों को रिहा किया, लेकिन अमेरिका के लोगों को जानबूझकर रिहा नहीं किया और यही कारण है कि अब हमास जो है वो अमेरिका के लोगों को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी बात कही है। कहा है कि आने वाले समय में अमेरिका के लोगों के वीडियोज़ भी देखने को मिल सकते हैं, तो एक तरीके से दबाव बनाने के लिए। अगली एक और अपडेट, गाजा पर यूएन ने पूछा कब खत्म होगी जंग, इजराइल का खुलासा, कहा न कोई जल्दी है न कोई शॉर्टकट है। दरअसल युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने कुछ दिनों से हमले तेज कर दिए हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये तो आपने सोचा होगा, इजराइल के आज वही हाल हो चुके हैं। इजराइल अब आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात हैं। इजराइल अगर युद्ध नेतन्याहू अगर युद्ध बंद कर देते हैं तो उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं हमास फिर से एक्टिव ना हो जाए और पूरे गाजा पट्टी में जो उनका नियंत्रण करने का सपना है वो कहीं ना खो बैठे, और अगर युद्ध वो बंद नहीं करते हैं तो फिर जनता जो है वो उनके देश में आक्रामक है, उनको लोगों को लाना भी है, बंदकों को रिहा कराना भी, और अगर युद्ध बंद नहीं करेंगे तो बंदकों की रिहाई भी नहीं होगी, और इतना ही नहीं अगर वो युद्ध बंद नहीं करते हैं तो दुनिया भर के देशों से अलग थलग भी पड़ रहे हैं। तो अब नेतन्याहू के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति हो चुकी है। यही कारण है कि यूएन ने जब फटकार लगाई और पूछा तो इजराइल ने आखिर जल्दबाजी में यह कह दिया है कि फिलहाल इस युद्ध को खत्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमारा मकसद हमास का खात्मा है, क्योंकि हमास अगर खत्म नहीं होगा तो इजराइल को इस बात का डर है कि हमारे अस्तित्व को ही एक दिन हमास खत्म कर देगा, यानी हमास को, दुनिया के किसी और देशों को नहीं बल्कि हमास जैसे एक संगठन को इजराइल कितना बड़ा खतरा अपने आप को पैदा करता है। तो यूएन में वो कह रहा है कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, अगर हमने हमास को खत्म नहीं किया तो हमास हमें खत्म कर देगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो हमास को क्या खत्म कर पाना इजराइल के लिए इतना आसान है, अपने सुझाव दें।